हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनू और आप सभी का वेलकम है फिर से मेरे चैनल अपकमिंग बज में। तो दोस्तों, आपको बैड न्यूज़ मिल चुकी होगी अब तक कि जो थोप टीवी है जिस पे हम मूवीज़ और वेब सीरीज़ और जितने भी मतलब कि स्पोर्ट्स रिलेटेड चैनल्स थे, मतलब कि जितने भी स्पोर्ट्स चैनल थे और जो हम आईपीएल वगैरह देखा करते थे, वो अब हम नहीं देख पाएंगे। तो ये एक बैड न्यूज़ है और ये वापस आएगा या फिर कुछ टेक्निकल इशू है या मतलब कि अब कभी आएगा ही नहीं। तो गाइज़, ये कंफर्म हो चुका है कि जो थोप टीवी है वो पूरी तरह से बैन हो चुका है और अब ये आएगा या नहीं आएगा इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट गाइज़, ये बैन क्यों हुआ है इसके पीछे कई रीज़न है। जो ऐसा मानना है कि जो थोप टीवी है उसके अंदर जो भी एड्स आते थे, मतलब कि जो थोप टीवी है वो एप्लीकेशन को प्रमोट करता था जिस पे मतलब कि बहुत ज़्यादा एक तरह का जुआ, एक तरह का सट्टा खेला जाता था। मतलब कि 1xBet एक एप्लीकेशन है जिसको थोप टीवी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता था और उस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स के गेम होते थे उस पे सब पे सट्टा खेला जाता था। कुछ तो एक रीज़न तो ये भी है इसको लेकर थोप टीवी को बैन किया गया है और एक रीज़न और भी है कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियोज़ और आपका डिज्नी हॉटस्टार प्लस, तो ये एप्लीकेशन जो हैं इन सब ने मतलब कि थोप टीवी के ऊपर कंप्लेंट की है कि जो थोप टीवी है इनके कंटेंट, मतलब कि जो भी कोई मूवी रिलीज होती है, जो भी सीरीज़ आते हैं, वो उनका कंटेंट उठा के अपनी ऐप के ऊपर वो चला देता है, वो भी अपने सर्वर के थ्रू। मतलब कि जितने भी कंटेंट है वो मतलब कि एक तरह की चोरी हुई कि उसके सारे कंटेंट वो अपनी ऐप पर चलाया जा रहा है किसी सर्वर के थ्रू। तो गाइस, ये गलत ही है क्योंकि जो OTT प्लेटफॉर्म है वो इतना पैसा खर्च करके मतलब कि एक मूवी को रिलीज़ करते हैं, वेब सीरीज़ बनाते हैं, उससे मतलब कि जो वेब सीरीज़ बनती है उनको वो परचेज़ करते हैं, उनसे ख़रीदते हैं, फिर अपने मतलब कि उस प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं। तो गाइज़, ये मतलब कि गलत पैसा खर्च करा है और कोई मतलब कि उसको फ्री में उठाकर मतलब कि अपने ऐप पे चलाना, तो ये गलत ही है। तो इसको लेकर भी सारे OTT जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सब ने कंप्लेंट करी है और इसी के कारण मतलब कि उसको बैन किया गया है थोप टीवी को। पहले थोप टीवी बैन हुआ, फिर उसके बाद पिकाशो और अब ओरियो भी पूरी तरह से बैन हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर दिखाया भी आपको। तो गाइज़, ये अनेबल टू कनेक्ट सर्वर, मतलब कि इन सब में यही प्रॉब्लम आ रही है। मतलब रिफ़्रेश करके भी देख लिया सब कुछ, मतलब ये एप्लीकेशन अब नहीं चलेगी। तो गाइज़, यही रीज़न था कि थोप टीवी अब नहीं चलेगा क्योंकि इसका जो CEO है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, हैदराबाद से आ चुके थे थोप टीवी के ख़िलाफ़, तो इसीलिए फाइनली उसको अरेस्ट कर लिया है मुंबई पुलिस ने हैदराबाद से, उसके CEO को। तो गाइज़, अब ये आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। दोस्तों, मेरा एक सजेशन ये है कि अगर आप ये सब मतलब कि मूवीज़ वगैरह सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हो तो इन जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है या तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लो। ये एक तरह से सेफ भी है कि आपका डाटा भी लीक नहीं होगा और दूसरी तरह से ये मतलब टेक्निकल कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती इनमें। तो गाइज़, 300-400 रुपये का सब्सक्रिप्शन होता है लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल है, इसमें कोई कंप्लेंट या कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आती, ना कोई डाटा लीक करता है, क्योंकि थोप टीवी और ओरियो टीवी में इनमें कई टेक्निकल इशू आते रहते थे बीच में भी, अनेबल टू सर्वर, ये बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो मेरा सजेशन यही है कि आप या तो उसका सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर लो और फिर आप उसको इन्जॉय कर लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी गाइज़, अगर कोई भी ऐसी ही एप्लीकेशन आगे आती है तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूँ।